बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए जनाब, हमारा चने की दाल और कीमा जो है रेडी कंडीशन में आपके सामने आ गया है। बहुत ज़बरदस्त खुशबूएं उठ रही हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू कुकिंग मैक। कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली इंशाल्लाह सब खैर खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। हम भी अल्लाह का शुक्र है खैर खैरियत से हैं। तो जनाब, आज मैंने चने की दाल और कीमा रेडी किया है थोड़े से डिफरेंट स्टाइल में, तो ज़रूर इसको ट्राई करके देखिएगा, आपको ज़रूर पसंद भी आएगा, बहुत मज़ा भी आएगा, खा के बहुत टेस्टफुल बनता है। तो चलिए आइए चल के देखते हैं कि हमारी चने की दाल कीमा कैसे रेडी हो रहा है। इसमें लगाने में 1 टीस्पून ज़ीरा है, 1 दालचीनी का पीस है छोटा सा, चंद लौंगे और चंद काली मिर्चें हैं। ठीक, अच्छा, ये कोरिएंडर पाउडर है, ये तकरीबन 1.5 टेबल स्पून है, ये 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर है, और ये 2 टीस्पून जो है मेरे पास चिली फ्लेक्स हैं। अच्छा, लाश प्याज है जिसको मैंने रफली काट लिया है, और ये मेरे पास 6 से 7 अदर टमाटर हैं, 1 kg के कीमा है, और 2 कप दाल मैंने भिगा दी है। जी बिस्मिल्लाह मान रही हूँ। ये देखिए, मैंने इसमें मस्टर्ड ऑयल डाला है, फिर मैंने इसमें 2 लौंगे डाली थी ताकि इसकी झाड़ निकल जाए। ठीक, बस अब ये ऑयल गर्म हो गया है, मैं इसमें ये देखिए प्याज डाल दूँगी, थोड़ा सा फ्राई करूँगी, बस थोड़ी सी थोड़ा गलत चीज़ होता है, फिर हम बस जनाब ये देखिए प्याज हो गई है। ठीक है, इतना ही हमें करनी थी बस। अब इसमें हम जो ये बघार वाला मैंने मसाला आपको दिखाया था ये मैं डाल दूंगी। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा चलाएंगे, उसके बाद फिर हम इसमें कीमा डाल देंगे। अच्छा, मैंने मस्टर्ड ऑयल लिया है, मस्टर्ड ऑयल है मेरे पास 3/4 कप। ठीक है, चलिए ये देखिए, ये जो हमने मसाला डाला दिया वगैरह ये सब अच्छी तरह से भून लिया है, बस अब हम इसमें देखिए ये कीमा डाल रहे हैं। अच्छा, कीमा जो है ना मैंने धो के रुक कर रख दिया था, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, मैं साफ साफ इसको करती जाती हूँ ताकि ये जो है ड्रेन भी होता जाए ना, तो थोड़ा सा ड्रेन होता है, फिर बाकी उसमें मसाले हम फिर डाल देंगे। ठीक है, हो जाए सारा बर्फ इसकी निकल जाए, थोड़ी सी देर के लिए मैं इसको कवर अप करती हूँ। अब इसमें ये देखिए हम ये जो हमने मसाले लिए थे सारे। ठीक है, अच्छा, नमक भी मैंने अब इसमें शामिल कर लिया क्योंकि इसको देखिए स्टीम अच्छी तरह से आ गई है, ये तकरीबन 10 मिनट्स में जो है ये सारा जो है मेल्ट हुआ है। ठीक है, तो ये मैं इसमें नमक भी साथ डाल दूंगी, बाकी नमक अकॉर्डिंग टू आवर टेस्ट होता है, बट मैंने इसमें जो है ये 1 टीस्पून नमक डाला है क्योंकि मैंने दाल में भी डाल दिया है, इसलिए इसमें नमक डाला है। ठीक है, अब इसमें मैं डाल दूंगी 1 टेबल स्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट। अच्छा, अदरक लहसुन का पेस्ट ना मैंने थोड़ा इसको जब ड्रेन कर रही थी उस वक्त भी डाला है मैंने 1 टेबल स्पून भर के, यानी टोटल 2 टेबल स्पून पड़ेगा। राइट, इसको हमें अच्छी तरह से भूनना है, थोड़ा भून जाएगा तो बस इसमें थोड़ी टमाटर डाल दूंगी और उसके बाद मैं इसको कवर अप करूंगी। जनाब ये देखिए हमारा भूंगे इसमें बोल दिया है, बस इसके बाद टमाटरों को मैंने जो है ग्रेट कर लिया था, ये देखिए। ठीक है, क्योंकि ये जल्दी से गल जाएंगे इसमें और इनका अच्छा सा टेक्सचर भी बन जाता है, इसलिए मैंने इसको ग्रेट कर लिया ना बजाय काटने के, या आप ब्लेंड कर लें या ग्रेट कर लें जैसे आपको सूटेबल लगे। बस हमारी दाल भी तकरीबन गली जा रही है, दाल को आपने खूब अच्छे से गला लेना है। ठीक है, बस ये टमाटर जैसे ही गलते हैं फिर तकरीबन दाल हमारी हो गई है, तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ डालते हुए। मैंने इसे 1 दफा चलाया था, हो गया ये, इसको हम हल्का सा भूनते हैं, भूनना शुरू कर दिया है। ठीक है, बस अब इसे हम भूनते हैं दाल, ये दाल का टेक्सचर ये आया है मेरे पास, अच्छी तरह से आपको गला लेना है। ठीक है, अच्छा जी, 2 कप पानी डलेगा। ठीक है, 1 कप मैंने डाल दिया है और दूसरा ये मैं आपके सामने डाल रही हूँ। अच्छा, 3 हरी मिर्चें डाली है मैंने, थोड़ी सी अदरक भी डालती हूँ मैं इसमें भी काट के, और बाकी फिर हम गार्निशिंग में डालते हैं। ठीक है, चलिए बस देखिए ये हो गया है, अब मैं इसको कवर कर रही हूँ ताकि ये हो जाए, बस ये जैसे होती है फिर मैं इसका फाइनल टच आपको दिखाती हूँ। इसलिए स्लो करूँ और इसको कवर कर दूंगी। ठीक है, जब दाल थोड़ा सा ये रिलीज करेगी तो समझे हमारी चलेंगे। देखिए मैंने इसमें मेथी, कसूरी मेथी को मसल के और क्या कहते हैं थोड़ी सी अदरक जो है उसमें डाल दी है, बस आपकी 5 मिनट के लिए हम इसको मजीद दम देते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ कि आखिर में इसमें जो है वो सीक्रेट आपको क्या डालना है। चलें देखिए, हम देखते हैं
ये देखिए होगी, इसमें ऑयल के ऊपर आ गया है। बस अब हमने इसमें जो है डालना है थोड़ा सा गरम मसाला। और ये मैंने देखिए थोड़ा सा ना प्याज निकाला था, ठीक है। ये हमने इसको बघाना उगाना नहीं, बस प्याज हमें ऊपर से डालना है, फिर मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए ये मैंने लिया है बटर, ठीक है, ये मैंने बटर डाल दिया इसमें। बस अब मैंने इसको दम पे लगा दिया है, बहुत ज़बरदस्त इसका टेस्ट जो है डेवलप होता है। बस अब इसमें मैंने 5 मिनट के लिए छोड़ दिया है, और इसका बस मैं ना 2 मिनट के बाद चूल्हा भी बंद कर दूँगी। ये रेडी है, चलिए जनाब। ये देखिए बटर मेल्ट हो गया, बस अब ये हमारी रेडी हो गई है। इसको मैं उतार रही हूँ, फिर मैं इसको डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ फाइनल लुक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए जनाब, हमारी डिश जो है रेडी कंडीशन में आपके सामने मौजूद है। तो होपफुली आपको ज़रूर पसंद आएगी, ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, बहुत टेस्टफुल बनता है। तो जनाब मेरी रेसिपीज़ आप पसंद आती हैं तो इन्हें लाइक और शेयर भी दिया कीजिए, और मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती आरा से ज़रूर आगाह किया कीजिए। तो चलें जनाब, अपना दोस्तों का सबका बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर किसी और ज़बरदस्त से धमाकेदार कंटेंट में आपसे मुलाकात होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।